गुड इवनिंग. नाउ टुडे आई विल टीच यू अबाउट यूजेज ऑफ बेसिस इन आवर डे टू डे लाइफ. ओके, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर लाइक रेयन. यानी कि जितने भी बेसिस हैं उसका बहुत सारा डे टू डे लाइफ में यूज है. और बेसिकली हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इसका यूज इंडस्ट्रियल यूज में है, फिर फूड कुक करने के लिए है, बहुत सारे इसके यूज हैं, मेडिसिन में यूज है. तो बारी बारी से देखेंगे किस बेस को हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका यूज हम लोग सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, और सिंथेटिक फाइबर रेयन जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, उसको भी मैन्युफैक्चर करने में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं. ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लैक लाइम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. एंड वी नो दैट ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर. ओके, यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, पॉन्ड में, रिवर में, या फिर कह सकते हैं आपका ये जनरली घर में हम लोग यूज करते हैं इसका. तो उसमें यूज क्या है, इसका यूज करते हैं इसलिए ताकि वो वाटर को प्यूरीफाई कर सकें. जैसे कि हो गया वेल में, कुआं में, कुआं में ज़्यादा यूज किया जाता है ताकि कुआं का पानी को पीने के लायक बनाया जा सके. ओके, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं स्लैक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एन एंटासिड. तो एंटासिड का क्या है, अगर गैस का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है हम लोग को, तो वहां पे एंटासिड यानी कि एंटी एसिड दैट इज एसिडोटिक है बेस. तो बेस का यूज करते हैं ताकि हमारे स्टोमेक में जो प्रॉब्लम हो रहा है डाइजेशन में, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो और फर्दर जो इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए. क्लियर, तो वहां पे यूज करते हैं किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का. इसका यूज आता है एंटासिड में एज ए मेडिसिन. ओके, नाउ सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज वाशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्लोथ को वॉश करने के लिए वहाँ पे सॉफ्ट वाटर यूज है, हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम या फिर और भी बहुत सारे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो वो हार्ड वाटर कहलाता है. और उस कारण से क्या होता है, क्लोथ स्वयं साफ करना पॉसिबल नहीं है, वो पीने के लिए फिट नहीं है, यानी कि वो पोर्टेबल वाटर नहीं. तो उसको यूजेबल करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट का. और कपड़ा धोने के लिए जो वॉशिंग सोडा हम लोग जो यूज करते हैं, सर्फ वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का ही यूज करते हैं. क्लियर, एंड नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड एंड एज एन एंटासिड. कुकिंग फूड्स के लिए, फूड्स को ज़्यादा फ्लफी बनाने के लिए, जैसे कि हम लोग ब्रेड बनाते हैं और भी बहुत सारा जो बनाया जाता है आपका ये स्वीट्स वगैरह, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का. उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इन हिंदी खाने वाला सोडा. इसका काम क्या है, ये सब्सटेंस जो मटेरियल जो है स्टफ है फूड स्टफ, उसको क्या करता है, उसके साइज को इंक्रीज करता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है, जिस कारण से क्या होता है, इसका ईस्ट भी इसमें फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करता है, उसमें उसका साइज को बढ़ाता है ताकि कम अमाउंट में वो ज़्यादा क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें खाने वाले सब्सटेंस को. ओके, तो वहाँ पे इसका यूज है. और एज एन एंटासिड, एंटासिड में क्या यूज है, एंटासिड में इसका यूज करते हैं क्योंकि ये भी जो इनडाइजेशन जो होता है हमारे स्टोमेक में, जब एसिड्स का ज़्यादा सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उस केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का. तो आप देख सकते हैं जनरली इसका जो प्रॉपर्टी क्या, स्लिपरी होता है, फिसलदार होता है, जिस कारण से इसको हम लोग यूज करते हैं सॉप और डिटर्जेंट बनाने में, फिर इससे हम लोग यूज करते हैं एज ए कुकिंग फूड जस्ट लाइक एज बेकिंग सोडा. और भी बहुत सारे इसके यूज हैं मेडिसिन बनाने में. तो हम कह सकते हैं कि बेस जो है, बेस का डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस है और इसका इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में भी है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूज भी है. दैट मीन्स काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी यूजफुल है. जिस तरह से एसिड्स का बहुत सारा यूज है, उसी तरह से बेस का भी बहुत सारा यूज है. क्लियर, तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें. और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आगे के सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल सके. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें. ओके.
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।